बात करते हैं कानपुर की, जहां पर बीजेपी के द्वारा टिकट काटे जाने के बाद अब जो नेता है वो फूट फूट कर रो रहे हैं और उस घड़ी को कोस रहे हैं जब उन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की थी। कानपुर महाराजपुर विधानसभा में वार्ड 70 में महासंग्राम की स्थिति बनी हुई है। यहाँ सत्ता पक्ष के ही दो पार्षद उम्मीदवार की टिकट को लेकर अब आमने सामने हो गए हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता कैबिनेट मंत्री सतीश महाना के करीबी राजेंद्र अवस्थी का कहना है कि उनकी पत्नी रीता अवस्थी को 3 नवंबर की दोपहर तक फाइनल कर लिया गया था, लेकिन इनके महाना गुट पर क्षेत्रीय संगठन मंत्री ओम प्रकाश का गुट भारी पड़ गया, जहां पर निर्दलीय रानू वाजपेयी को टिकट दे दिया गया, जिनके पति श्रवण वाजपेयी पर अवस्थी परिवार ने बलात्कारी होने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि पीड़ित राजेंद्र अवस्थी ने श्रवण वाजपेयी का एक अश्लील वीडियो भी वायरल किया है। वहीं जब मीडिया ने आरोपी श्रवण वाजपेयी से मुखातिब होने की कोशिश की तो वो घर से गायब हो गए। हमारे साथ तो मतलब इतना बड़ा छल हुआ है, एक तरीके से पूरा जीवन मेरा टूटा गया। मेरे साथ लूट जैसी घटना हुई है। सन 1994 से मैं बराबर काम कर रहा हूँ, सक्रियता से पूरा काम किया और बहुत अच्छे ढंग से काम किया है। सारे क्षेत्र के लोग हमसे इतना स्नेह प्यार देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर हमारी पहचान है। मैं जहाँ खड़ा हो जाता हूँ लोग जानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्य। पार्टी ने आज तक कभी मेरी सेवाओं को मूल्यांकन नहीं किया है। इस बार भी टिकट मेरी कल तक फाइनल थी, आज टिकट कट गई, बताया जा रहा है कि अब नहीं मिलेगी। रानू वाजपेयी को दी जा रही है, जो यहाँ की पूर्व पार्षद है, उसका पति श्रवण वाजपेयी बलात्कारी है, अभी जेल से छूट गया है, अगले महीना हुआ। अब उस संगठन मंत्री जी हमारे जो विशेष कुछ रुचि ले रहे हैं उसके टिकट में, उन्हीं के कारण उसकी टिकट हो रही है। बाकी पार्टी के लोग नहीं चाहते हैं, पार्टी के लोगों का मानो मनोदशा जो है वो लगभग हमारे साथ है। हमको बीजेपी से ये उम्मीद नहीं थी कि हमारी टिकट कट जाएगी। हमारे पति इतने सालों से बीजेपी में जुड़े हुए हैं, एक भगवान की तरह पूजा करते रहे हैं। हमें ये कष्ट नहीं है कि हमारी टिकट कटी है, बल्कि कष्ट हमें ये इस बात का है कि एक अपराधी बलात्कारी आदमी को टिकट मिल रही है। इस बात का कष्ट हमको बहुत है। हमारा इसमें क्या कसूर है जो हमारी टिकट कटी है। कानपुर से आरिफ मोहम्मद की रिपोर्ट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन वन। नमस्कार।